हेलो फ्रेंड्स, वर इन नई मैं इसके टॉपिक इनकम कॉल फ्लैश लाइट किस प्रकार से और मैं पढ़ते कैसे यूज़ करते बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास ही वीवो का फोन है। फ्रेंड्स, सही शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको ऊपर के स्क्रॉल करेंगे तब आपको यहाँ दिखता है शॉर्टकट एसेसिबिलिटी एंड स्पीड क्लिक कर लेंगे। और इसके बाद ऊपर के स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ दिखता है फ्लैश नोटिफिकेशन एंड स्पीड क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ दिखे इनकम कॉल और मैसेज। अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो फ्रेंड्स आप कॉल रिसीव करने के लिए ग्रीन डायल को सॉरी फ्रेंड्स कॉल अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो आपको पता नहीं चलता कॉल आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप कॉल आने पे आप चाहते हैं कोई लाइट वाइट जले, कोई नोटिफिकेशन आया इस तरीके से, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। और अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो आप इसे ऑन करने के बाद आपका फ्लैश लाइट जलेगा कॉल आने पर। अगर ऑफ है तब आपके पास कोई कॉल आता है फिर आपका फ्लैश लाइट नहीं जलेगा और कॉल आने पे आपका फ्लैश लाइट ऑन होगा। अगर ये यहाँ से ऑन है इनकमिंग कॉल, और अगर आपका इस तरीके से ऑन है इनकमिंग कॉल और उसके बाद आप कॉल करके देखते हैं इस फोन में कि फ्लैश लाइट जलता है या नहीं, तो आप नहीं जलेगा तब तक। ये तो इनकमिंग कॉल फ्लैश लाइट तो ऑन होना ही चाहिए, साथ ही आपका जो फ़ोन की स्क्रीन है वो इस तरीके से ऑफ होनी चाहिए। तब आपके पास कोई कॉल आता है तो आपका फ्लैश लाइट जलेगा। अगर इस तरीके से स्क्रीन ऑन है तब आपके पास कोई कॉल आएगा तो आपका फ्लैश लाइट ऑन नहीं होगा। इस तरीके से फ़ोन की स्क्रीन पूरी ऑफ होनी चाहिए तभी आपका जो है इनकमिंग कॉल में फ्लैश लाइट ऑन होगा। तो एंड इसी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। मैसेज आने पर ही आपका फ्लैश लाइट ऑन होगा, कॉल आने पर भी सीधा कॉल आने पर मैसेज आने पर ही आपका फ्लैश लाइट ऑन होगा। तो इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में इनकमिंग कॉल फ्लैश लाइट का यूज़ कर सकते हैं। पर मैं नहीं करी एंड फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ जो आपको बताइए। एंड इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में इनकमिंग कॉल फ्लैश लाइट का यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स तब तक के नमस्कार।